हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक। तो चलिए दोस्तों, आज हम बीए फर्स्ट वर्ड के लिए चैप्टर 5 अर्थात जो सुंग वंश के बारे में है वो मैं डायग्राम के माध्यम से यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं पीडीएफ के माध्यम से ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके वीडियो देख लीजिए, उसके बाद से इस वीडियो को आकर के फिर देखिएगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसके बाद से आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम डायग्राम के माध्यम से अच्छे से समझेंगे और इसे याद भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूँ दोस्तों कि आप लोग प्ले लिस्ट में जो है कि मेरी जो भी मैं प्ले लिस्ट बना रखा हूँ, आप लोग वहाँ जाएंगे तो हम अच्छे से हर चीज़ पाएंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। किसी भी वीडियो में आप कमेंट कीजिए कि सर आपको प्ले लिस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ सॉल्व कर दीजिए, तो मैं वो प्ले लिस्ट सॉल्व कर दूँगा। प्ले लिस्ट का नाम जरूर बताइए आप लोग, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको और सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए तो मैं बता दोस्तों, यहाँ पे जो है कि क्या है सुंग वंश, ठीक है। तो सुंग वंश से दोस्तों, तो मैं बता दूं आपको, सुंग वंश से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछते हैं उतने क्वेश्चन यहाँ पे हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन बताता हूँ, सुंग वंश से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि सुंग वंश का जो शासन काल था कब से कब तक था, ठीक है। तो सुंग वंश जो है दोस्तों, मैं बता दूं 187, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, शासन काल यहाँ पूरा कर देते हैं इसको, ठीक है। ये हो जाएगा क्या 187 BC, ठीक है। BC समझते होंगे, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व होता है हिंदी में, ठीक है। इस समय से लेकर के, ठीक है, ये 75 तक, मतलब 75 जो है BC तक ये कि शासन किया था, ठीक है, जो सुंग वंश का शासन काल था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब मैं बता दूं कि सुंग वंश का संस्थापक कौन था। यहां मैं लिखता हूं क्या, संस्थापक, संस्थापक दोस्तों, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, जिससे कि आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम ना हो जी। चलिए तो संस्थापक कौन था दोस्तों, तो आप लोग जानते होंगे कौन थे, पुष्यमित्र, कौन थे, पुष्यमित्र, ठीक है दोस्तों, पुष्यमित्र। अब एक मैं बात बता रहा दोस्तों कि पुष्यमित्र ये संस्थापक जो इस वंश की संस्थापना कब किए, जब इन्होंने क्या किया था कि बृहद्रथ, बृहद्रथ कौन था दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उनको मारने के बाद से जो और भी मौर्य वंश जितने भी लेसन में पूरा प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, आप वहाँ जाकर देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो क्या कर रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो पुष्यमित्र है इन्होंने क्या किया कि सुंग वंश की स्थापना किया, कब किया, तो बृहद्रथ को मारने के बाद। अब बृहद्रथ कौन था भैया, तो बृहद्रथ जो था वो शासक था, तो मौर्य वंश का शासक था, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, एकदम अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए तो मैं बता दूं आप कौन थे पुष्यमित्र, शुंग ने जो है कि पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, कौन थे पुष्यमित्र शुंग थे ये संस्थापक, ठीक है। अब चलिए और क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है क्या कि इनके बाद से जो है कि उनके बाद का शासक कौन था, तो उनके बाद का जो है अग्निमित्र, ठीक है, अग्निमित्र था, कौन था, अग्निमित्र, अग्नि अग्निमित्र, ठीक है, अग्निमित्र था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अग्निमित्र था। अब अग्निमित्र के बाद से जो शासक आया वो आया उसके उस ये पूछ लेता है, कौन पूछता है अग्निमित्र के बाद से जो शासक था वो कौन था, तो देखिए सुजेष्ठ था, कौन था, सुजेष्ठ। अब इसके बारे में एक क्वेश्चन और पूछता है, मैं बता रहा हूँ पहले, ये देखिए सुजेष्ठ, ठीक है, सुजेष्ठ। अब ये ध्यान रखना एक चीज, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, सुजेष्ठ इसके बारे में जो है कि सिक्कों पर इसका नाम क्या लिखा रहता है, ठीक है, इसके समय का जो सिक्का सॉरी, ठीक है, कर इनके समय, इसके समय के जो सिक्का हुआ करता था उस सिक्कों पर क्या नाम लिखा रहता था, इसका इसका नाम ये लिखा रहता था क्या, जेठ मित्र, क्या, यहां मैं लिख देता हूं, सिक्कों पर जेठ मित्र, जेठ मित्र, जेठ मित्र, ठीक है, ये आप देखिएगा, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, जेठ मित्र, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जेठ मित्र, ये देखना है क्या, सुजेष्ठ को क्या क्या कहा गया, सिक्कों पर क्या लिखा रहता था, जेठ मित्र लिखा रहता, ठीक है। अब जो दोस्तों मैं बता दूं कि इनके बाद जो है शासक एक आते हैं वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र आते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है वसुमित्र जी से रिलेटेड, ठीक है, कि सुजेष्ठ के बाद से शासक कौन थे, तो जो जो कौन थे, वसुमित्र, ठीक है, वसु मिश्र, वसुमित्र ही दे रखा है, वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र, ठीक है, क्लियर, वसुमित्र इसके
बाद के शासक थे। क्लियर। अब देखिए इसके बाद से पूछ जाता है, इसके बाद के शासक कौन थे? तो वज्र वज्रमित्र। ठीक है, कौन थे? वज्रमित्र। वज्र मित्र, वज्रमित्र। ठीक है, वज्रमित्र। अब देखिए इसके बाद के या फिर कह सकते हैं आप अंतिम शासक बोल सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है, कौन थे? देवहूति थे। ठीक है, एक प्रकार से कौन थे? अंतिम शासक थे। इसके अंतिम शासक, अब सुंग वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे देवहूति। ठीक है, कौन थे? यहाँ दिख रहा होगा आपको जी, देवहूति, देवभूति। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या ये की, अब ये अंतिम शासक थे। यहां मैं लिख देता हूं अंतिम। ठीक है, अंतिम। ठीक है, अंतिम शासक थे देवहूति। अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन बनना है, थोड़ा सा एक मेन क्वेश्चन बन रहा ये है कि जो देवहूति थे, देवहूति को जो है किसने मारा था? ठीक है, किसने मारा था? तो मैं बता दोस्तों कि एक इनके जो है कि मंत्री थे, मतलब देवहूति जी के मंत्री थे। ठीक है, जो ब्राह्मण थे उनका क्या नाम था दोस्तों? वसुदेव था। ठीक है, वसुदेव था। उन्होंने क्या किया कि इनकी हत्या करवा दिया था। ठीक है, हत्या कर दिया था। ठीक है, इनकी हत्या कर दी, इनका जो मंत्री था वही हत्या करके एक नए वंश का संस्थापना किया था। मैं बताता हूँ आगे कौन। ठीक है, इनकी मंत्री था, इनकी हत्या कौन किया था? हत्या कौन किया? इनका मंत्री, इनका मंत्री इनका मंत्री इनकी हत्या इनका मंत्री कौन, क्या नाम था उसका? देव, वसुदेव था। ठीक है, वसुदेव। ठीक है, इनका मंत्री वसुदेव, वसुदेव, वसु वसुदेव, इनका मंत्री वसुदेव, इनका हत्या कर दिया। अब हत्या करने के बाद से क्या हुआ? अब दोस्तों देखिए, इनका हत्या करने के बाद से क्या किया? वो एक जो है कि उनकी सत्ता अपना लिया। ठीक है, और एक नए वंश का स्थापना किया था। ठीक है, अब नए वंश का स्थापना किया, तो उस नए वंश का क्या नाम था दोस्तों? कण वंश था। ठीक है, कण वंश। इसके बाद समझिए एक प्रकार से, अब यहाँ चेंज हो थोड़ा सा। ठीक है, अब इसके बाद से कण वंश का उसने स्थापना कर दिया, कण वंश, कण वंश। ठीक है, कण वंश का उसने स्थापना कर दिया। ठीक है, अब कण वंश का स्थापना कर दिया। अब कण वंश का जो शासन काल था वो कब से कब तक था ये मैं बता दोस्तों, तो 75 से, मतलब 75 तक इनका जो है कि सुंग वंश का था। 75 के बाद से स्टार्ट होता है इसका। ठीक है, मतलब 75 BC से, BC से स्टार्ट होता है और कब तक जाता है? 30 तक जाता है। मतलब ये क्या किए, 45 साल तक शासन किए थे। ठीक है, BC, समझ में आ गया? ठीक है, मतलब इनका शासनकाल इस समय से इस समय तक रहा था, मतलब 7500 BC से 75 BC से 30 BC तक रहा था। ठीक है, अब देखिए मैं बता दूं कि इनका, मैंने बताया है क्या, संस्थापक, संस्थापक, संस्थापक कौन था? कौन था? अरे यार यही वसुदेव, वसुदेव। कौन था? वसुदेव, वसुदेव। ठीक है, वसुदेव, समझ आ गया? वसुदेव इसके संस्थापक थे। और वसुदेव जी के बाद से जो है कि जो कणवंश का शासक बना वो कौन बना था? तो भूमि मित्र। ठीक है, भूमि मित्र कौन था? भूमि मित्र, भूमि मित्र। ठीक है, अब भूमि मित्र के बाद से कौन शासक बना, शासक बना? तो नारायण। ठीक है, नारायण, सुशर्मा। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ समझने वाली बात है, कौन है? सुशर्मा, सुशर्मा, सुशर्मा। ठीक है, नारायण के वास्ते सुशर्मा। अब सुशर्मा, अब ये एक चीज मैं बता दूं, जो सुशर्मा था वो क्या था? कण वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, कण वंश का ये अंतिम शासक था। तो मैं यहाँ लिख देता हूं अंतिम, अंतिम, अंतिम कौन था? सुशर्मा था। समझ में आया? अब सुशर्मा की हत्या करके कोई, किसने क्या किया? किसी वंश का स्थापना किया, तो कौन किया और कैसे किया मैं ये बताता हूँ। देखिए क्या हुआ कि अंतिम शासक जो है सुशर्मा था। ठीक है, इसे सिमुक ने मारा। किसने मारा? सिमुक ने। किसने? सिमुक ने। किसने मारा? इसे मारा, या फिर हत्या ही लिख देता हूँ मैं, याद रहेगा आपको, क्योंकि वहां पर भी वही बात लिख रखा हूँ मैं। ठीक है, हत्या सिमुक।
ठीक है, सिमुक मारा, ठीक है, सिमुक जो है हत्या किया, ठीक है। अब हत्या जब सिमुक कर दिया, उसके बाद से क्या किया भैया, सातवाहन वंश का है स्थापना कर दिया वो, ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापना कर दिया, ठीक है, इसने स्थापना किया, इसके बाद से स्थापना, यहाँ लिख देता हूँ पूरा पूरा, मैं लिख देता हूँ, मारने के बाद, ठीक है, सातवाहन सातवाहन वंश की स्थापना हो गया, स्थापना लो, और लो, ठीक है, क्या कर दिया, स्थापना कर दिया सातवाहन वंश की, स्थापना कर दिया, उसके बाद से किसा गया मन में, किसा गया बोन में, सोचो अपना मन में, ठीक है। अब देखो, अब मैं बता दूं कि अब इसके पास से जो है वंश आएगा, वो आएगा सातवाहन वंश ही, तो सातवाहन वंश की मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो मेरे चैनल पर अगर नए थे अभी तक, ठीक है, अभी तक आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रखा है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जो भी कुछ करना है आपको करते रहिए, ठीक है। चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ में, थैंक्स। और मैं बता दूँ एक बात, आप ये सब देख रहे हो ना, ऐसे में पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देने वाला हूँ आपको। मेरे चैनल पे एकदम दबा के बनो और दोस्तों में दबा के मारो यार, उड़ा डालो साला, फैला दो एकदम पूरे, हम डीडीयू के जितने स्टूडेंट है सबको पता चल जाए ये चीज चल रहा है। अभी मैं कुछ कहूंगा नहीं, पेपर देख के आओगे ना फिर समझ में आएगा क्या चीज है, ठीक है। तो चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, थैंक्स।